तो कोई नहीं अब ऐसे ही जाएंगे घूमने आप हमारे चैनल सॉरी फैमिली ब्लॉग्स हमारा फ्यूचर का फैमिली ब्लॉग्स मतलब <laughs> <तरहे गा। laughs> क्या करेंगे प्रिकॉशन के लिए साथ में जरूर रखना चाहिए हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू घर ऑन द फैमिली व्लॉग्स एक नए व्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पे ना एक दिन पहले जितने भी मैंने कपड़े धोके रखे थे जो घूमने जाने के लिए हमें लेके जाने हैं सब बांध बांध के जो प्रेस वाले भैया आए थे उनको दे दिया है फिर मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तो आज ना पीहू को खाना है मैगी घूमने जाने से पहले तो यहाँ पे मैंने पीहू के लिए मैगी बना दिया है और वो इसी तरह से एकदम सिंपल मैगी खाती है कोई उसमें सब्जी वब्जी डाल के बिल्कुल भी नहीं खाती है फिर यहाँ पे हस्बैंड कुछ फ़ोन पे सामान वग़ैरह ऑर्डर कर रहे थे पीहू मैगी खा रही थी और भाभी जी घर पर है देख रही थी सामान देखिए यहाँ पर आ गया है और ये सामान जो है हमने स्विगी से ऑर्डर किया था थोड़ी देर बाद ना फिर से कुछ सामान ऑर्डर हुआ था तो वो जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी अभी क्या सामान आया है पहले वो देख लीजिए तो पोहा है सफ़ल का कट वेजिटेबल्स है हस्बैंड ने ना परफ्यूम ऑर्डर किया था मेरे लिए और ख़ुद के लिए भी तो वो आया है टेट्रा पैक मिल्क है और ये स्विगी का ना कोई एक गिफ्ट डब्बा आया है इसमें बाद में खोल के देखेंगे क्या क्या है और नॉर्मल मिल्क का पैकेट है कुछ हेयर जेल हस्बैंड ने ऑर्डर किया था और जो एनर्जी बार्स होते हैं वो तो एक पोहा का पैकेट मैंने यहाँ पे डब्बे में किचन में खोल लिया है और आज ना ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ मेरा और मेरे हस्बैंड का फेवरेट चूरा मूंगफली जिसको चूरा भुंजा भी बोलते हैं तो अलग से तेल में चूरा और मूंगफली को फ्राई करके निकाल लिया था सबसे पहले उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें नमक डाल के और बारीक बारीक पतले पतले लंबे लंबे कटे हुए प्याज डाल के भून लिया फिर चूरा मूंगफली को ऐड कर दिया डिटेल में रेसिपी कभी और शेयर करूँगी आंटी आ गई थी काम करने के लिए और यहाँ पर देखिए पीहू ने ना ये लोगोज बनाए हैं डिज्नी के और ये क्या है डकिट फिर यहाँ पे ओलंपिक का बनाया है तो बहुत अच्छा ड्रॉ करती है पीहू स्केच वगैरह बहुत अच्छा करती है ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे हम लोग हमारा फेवरेट यूट्यूब चैनल देख रहे थे जो कि है इची बूट्स और ये जो लेडी है ना ये एक बाइक राइडर हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं और अभी ना ये इंडिया आई हुई हैं तो इनका लद्दाख का ये सीरीज़ था जो हम लोग देख रहे थे बहुत अच्छा लगता है देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो अगर आपको इस तरह के ट्रैवल व्लॉग्स अच्छे लगते हैं बाइक व्लॉग्स तो चेक करना इनके चैनल को बहुत अच्छा चैनल है हो सकता है आपको पहले से पता भी हो तो ब्लिंकट वाला भी सामान आ गया था फिर से मैं क्या बताऊँ आपने देख ही लिया होगा क्या क्या आया था और ब्लेंकेट वाले सामान के साथ भी एक गिफ्ट का पैकेट आया था जिसमें ढेर सारी चीज़ें थी स्विगी वाला भी हस्बैंड ने यहाँ पे ओपन किया है और ब्लेंकेट वाला भी तो ढेर सारे चिप्स के पैकेट कुकीज़ बिस्किट्स चॉकलेट्स थे टॉफ़ीज़ थी बहुत सारा रैंडम रैंडम आइटम इसमें भरा हुआ था और दिया वगैरह भी था तो देख लो यही सारी चीज़ें थी और अगर आप भी अभी ऑर्डर करेंगे ना या ऑर्डर किया होगा हाल फिलहाल में तो हो सकता है आपको भी मिला होगा डॉट एंड की का ना ये एक मॉइस्चराइज़र आया था बहुत ही क्यूट सा डब्बा लेकिन इतना ही बेकार ये मॉइस्चराइज़र और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे ना सारे फेस्टिवल्स मेंशन किए हुए हैं तो पीहू यहाँ पर उद्घाटन कर चुकी है एक मीठे का और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला था और मैंने भी खा के देखा था काफ़ी टेस्टी था और पीहू को तो इस तरह से नया नया कुछ कुछ मीठा मिल जाए ना तो एकदम मज़ा ही आ जाता है इसके फेस के एक्सप्रेशन आप देख सकते हो मैं दूसरे कामों में लगी थी तो हसबैंड को मैंने लगा दिया था कपड़े फोल्ड करने की ड्यूटी पे टीवी देख रहे हैं तो देखते देखते कपड़े फोल्ड कर देने का काम सही से हो जाता है तो यहाँ पे सबके ना अलग अलग फोल्ड करके रखे हैं मेरा अलग पीहू का अलग अपने अलग इससे ना सबके अलमीरा में लगाने में आसानी होती है और काफी दिनों से काफी कपड़े धुल इकट्ठे हुए थे से कर लो हे मेरे को प्लीज कर दो बहुत अच्छा है हम्म आ आ आ आ रहा है मुझे तो वनीला का स्मेल आ रहा है इसमें से तो परफ्यूम अगर आपको पसंद आया है तो आप एमेजोन पे सर्च कर सकते हैं काफी अच्छा था यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ तहरी तो तेल जब गर्म हो गया था उसमें जीरा डाला उसके बाद जीरा जब तड़क गया हल्का सा ब्राउन हो गया तो बारीक कटे पतले पतले लंबे लंबे प्याज डाल दिया बारीक कटी हरी मिर्ची आलू छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए डाले हैं और कट वेजिटेबल्स जब प्याज हल्का फ्राई हो जाएगा ना उसके बाद ही बाकी की चीज़ें डालना और यहाँ पे सारी चीज़ें जब अच्छे से फ्राई हो गई थी उसके बाद मैंने एवरेस्ट का ये बिरयानी पुलाव मसाला आता है ना वो डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया जब मसाला अच्छे से फ्राई हो गया तो टोमेटो की प्यूरी डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया अगर आपके पास टमाटर हो तो टमाटर ऐड करिएगा मेरे पास नहीं था तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल हुआ बहुत अच्छा टेस्ट भी आया था कलर भी आया था फिर राइस मैंने धोकर इसमें ड्रेन करके अच्छे से डाल दिया और थोड़ी देर के लिए ना राइस को मैंने यहाँ पे भुना है इस तरह से मसालों के साथ जब राइस को अच्छे से भून के पकाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद जितना मैंने चावल लिया था ना उसका डबल करके पानी डाला है और अच्छे से आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लो और मैंने सॉल्ट ऐड किया है इसमें मैंने हल्दी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था इसका ना अपना ये नेचुरल कलर आया था मसाले का और टोमेटो प्यूरी का लास्ट में मैंने थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया था और कुकर का ढक्कन लगा के मैंने यहाँ पे तीन सीटी लगाई मीडियम फ्लेम पर डिपेंड करता है आपकी राइस पे अगर एक सीटी में हो जाती है या दो सीटी में हो जाती है बट पानी हमेशा डबल करके डालना जितना चावल उसका डबल करके पानी एकदम खिले खिले तहरी बन के रेडी हो गई थी और बिल्कुल बिना प्रेशर कुकर के तले में नहीं लगी थी और यहाँ पर मेरी क्यूटी पाई अगले दिन घूमने जाना है तो एकदम नहा धोकर अच्छे से रेडी हो गई है प्यारा सा ड्रेस पहन के शाम का टाइम हो गया है पीहू के लिए मैंने हल्दी वाला दूध बनाया था और अभी ना पीहू के लिए हस्बैंड ने कुछ टॉयज़ ऑर्डर किया था अमेज़न पे तो वो टॉयज़ की डिलीवरी शाम के टाइम पे आई थी और इतना खुश हो गई फ़र्स्ट टाइम ये वाले टॉयज़ जो हैं पीहू के आए हैं और इसका जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट था वो एक अनदर लेवल पे था एकदम बेचैन हो गई थी खोलने के लिए जैसे ही पैकेट आया था तो ब्लॉग में बने रहिएगा थोड़ी देर में पीहू आपको ओपन करके दिखाएगी फिर मेरे और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी गर्मा गर्म अदरक वाली तो हस्बैंड को ना पीहू के ट्राउजर्स जो वो लेके आए थे शॉपिंग करके उसको ठीक करवाने के लिए जाना था दिन में हम एकदम से भूल गए थे शाम में अचानक से याद आया तो लेकर भागे तो मैंने बस अपने लिए चाय छानी है हस्बैंड का ढक के मैंने रख दिया है जब आएंगे तो अलग से फिर गर्म करके पी लेंगे गर्म है चेक करो दिखाना हाँ पीने लायक है पीते जाओ पियोगी तभी तो वो खुलेगा जो टॉय आया है क्या आया है उसके अंदर मेरा सारा टॉय क्या ये पासवर्ड है हम्म पासवर्ड है रखने चलो पियो पियो चॉकलेट दूध नहीं मिल जाता और पीहू को आजकल विंटर्स हल्का हल्का स्टार्ट होने लगा है तो मैंने हल्दी वाला दूध बना के देना स्टार्ट कर दिया है और अब थोड़े से ना पीहू के आप नखड़े देखो दूध पीने में कैसे करती है मेरे पीहू के ड्रामे देखे आपने और कपड़े जो सुबह गए थे ना प्रेस होने के लिए वो अच्छे से प्रेस वगैरह होके आ गए हैं कल हमें निकलना है हमारी हॉलीडे ट्रिप पे और तो मुझे जाना था थ्रेडिंग कराने के लिए कल मैं जा नहीं पाई हस्बैंड लेट आए थे और आज दिन भर कुछ न कुछ ने कुछ न कुछ, कुछ काम में लगे रहे और अभी मैंने शाम में कॉल किया पार्लर वाली दीदी को तो उनका मोबाइल ही बंद है और जब भी ऐसा होता है उनका मोबाइल बंद है यानी पार्लर बंद है और अब टाइम नहीं है कि अर्बन क्लैब को भी बुला के कराए तो कोई नहीं अब ऐसे ही जाएंगे घूमने हाय फ्रेंड्स आप हमारे चैनल सॉरी हेलो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए जिससे आपको हमारा फैमिली व्लॉग्स हमारा फ्यूचर का फैमिली ब्लॉग्स मतलब बताते रहेगा हेलो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरे कुछ नए टॉग है जो मैं यूज करूंगी एक बीच पे मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे और चलिए अब इसे खोलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या है ये मेरे कुछ बीच फंड वाओ क्या है ये बता दो अच्छे से बताओ ये कुछ बीच टॉइल्स है इसमें 10 पीसेस है मैं 10 पीसेस वाला मंगवाई थी 5 4 वाला भी था लेकिन मुझे लगा कि चलो सबसे अलग से मुझे ही चाहिए क्योंकि मुझे बीच में जाने का बहुत मन करता है तो हम लोग जहाँ जा रहे हॉलीडे पे वहाँ पे बीच है है ना? पे जगह का नाम सी बीच है बीच सबको पता है यार जगह का नाम नहीं बताना ठीक है ना चलो खोल जल्दी जल्दी ये। अच्छे है ये बकेट, ये कुछ

तो, तो, तो यहाँ पे हस्बैंड ने अपना कुछ सामान दिखाया आपको ये आप हमारे फ्यूचर व्लॉग्स में देखेंगे जहाँ हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो हस्बैंड ने अपना सारा प्लान आउट बना रहे थे कि हम लोग जो जा रहे हैं घूमने के लिए तो किस दिन कहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे ताकि कोई भी दिन वेस्ट ना हो काफी बड़ा सा सिटी है तो एक कोने से दूसरे कोने में जाने में टाइम लगता है तो एक जगह जहाँ जाए तो वहाँ के नियर बाई की सारी जगह कवर हो जाए तो ये वो अपना काम करने में लगे हुए थे और यहाँ पे मैं आ गई हूँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने पीहू के बाल बनाने क्योंकि पीहू ने आज शैम्पू किया था तो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं बाल तो अच्छे से तेल वगैरह एकदम चपोड़ के मैंने यहाँ पे चोटी बना दी है ताकि सुबह हमें अगले दिन निकलना है तो बाल एकदम ठीक से रहें सुबह फटाफट कॉम्ब हो जाए तो फ्रेंड्स मैं ना मेडिसिन कैबिनेट जो है वो क्लीन कर रही थी काफ़ी सारी दवाइयाँ निकली हैं जो कुछ तो एक्सपायर हो गई थी और कुछ एक्सपायर होने वाली थी तो सब मैंने हटा दिया है और हमें ट्रिप पे भी जाना है ना तो मेडिसिन तो कुछ ना कुछ हमेशा लेकर जाते ही हैं प्रिकॉशन के लिए ये मेडिसिन देखो इतनी सारी कुछ इसमें से ख़राब हो गई हैं और, है और कुछ ख़त्म हो गई हैं और कुछ ख़राब होने वाली थी मतलब उनकी डेट जो है वो निकलने वाली थी तो यहाँ पे मैंने ना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब निकाल के रखा है मेनली मुझे पीहू के लिए कुछ कुछ मंगाना है और एक दो मेरे लिए है और एक दो हस्बैंड का है तो दवाई वगैरह ना जरूर ट्रिप पे अपना लेके जाना चाहिए जो भी आपका बेसिक आप कभी कभार यूज करते हैं भगवान ना करें कभी यूज हो सब लोग सही से रहें बट फिर भी प्रिकॉशन के लिए साथ में जरूर रखना चाहिए और घर का सारा काम वाम निपटा के खाना वाना रात का बनाकर रख कर मैं यहाँ पे एकदम फाइनल पैकिंग करने के लिए अब बैठी हूँ हस्बैंड से सूट के सुतरवा लिया था और अपना बक्सा मैं यहाँ पे रेडी करने लगी हूँ इसमें मैं अपना और पीहू का सामान लेके जा रही हूँ हस्बैंड अपना अलग से पैकिंग कर रहे हैं हॉल में वो लगे हुए हैं वो मैं आपको आगे क्लिप दिखाऊंगी फ्रेंड्स आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि जब तक घर से निकल नहीं जाओ अगर कहीं घूमने जाना है तो तो लास्ट लास्ट तक एकदम पैकिंग एंड चेकिंग चलता रहता है मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया कहीं ये सामान मैं रखना भूल तो नहीं गई तो कुछ नहीं कर सकते मेरे अंदर ये आदत है और वो रहेगी और यहाँ पे देखो सारे जूते चप्पल निकाल के रखे हैं ये भी जाने हैं सारे पैक होकर एक शूज़ मेरा और एक पीहू का वो तो हम लोग पहन के जाएंगे बाकी सब कुछ पैक होके जाने वाला है पता नहीं लड़कियों का सामान इतना ज़्यादा होता है लेडीज़ का और जेंट्स का सामान इतना कम होता है एकदम छोटे से बक्से में हो जाता है हस्बैंड यहाँ पे अपना पैकिंग कर रहे हैं जिसमें पीहू पापा को हेल्प कर रही है और हस्बैंड ना इस तरह का ब्लैक एंड रेड वाला जो आप देख रहे हैं इस तरह का ये पैकिंग मटेरियल है तो वो यूज़ कर रहे हैं अपना सारा सामान इसके अंदर रख के फिर सूटकेस में रखेंगे जैसे कपड़ों का अलग हो गया इलेक्ट्रिकल जो आ, सारे सामान होते हैं ना उसका अलग हो गया तो पैकिंग वगैरह हमने निपटा लिया था और रात के खाने में मैंने काले चने बनाए थे उसका छोले टाइप का और साथ में बनाया था पूड़ी तो पीहू यहाँ पे वो एन्जॉय कर रही है तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बस यहीं तक उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मैं मिलूंगी आपसे अब मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि हमारा ट्रैवल ब्लॉग होगा फ्लाइट ब्लॉग होगा दिल्ली टू कहाँ जा रहे हैं वो मैं बताऊंगी नहीं उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना होगा और हमें अगले दिन मॉर्निंग में ही निकलना है तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें खुश रहें बाय बाय